प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले में हर रोज लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं। इन श्रद्धालुओं को न सिर्फ कुंभ में आए हुए साधु संत अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, बल्कि मेले में रखा राम मंदिर का ये मॉडल भी अपनी तरफ खींच रहा है। दरअसल राम मंदिर का ये मॉडल विश्व हिंदू परिषद ने अपने पंडाल में रखा है। अयोध्या विवाद भले ही अभी कोर्ट में है, सरकार इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से बच रही हो, लेकिन कुंभ में राम मंदिर के इस मॉडल को रखकर वीएचपी ने अपनी एक बार फिर भावनाएं जाहिर कर दी हैं। वीएचपी के इस राम मंदिर मॉडल को देखने के लिए हर रोज बड़ी तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि पर प्रस्तावित मंदिर का एक मॉडल एक स्वरूप रखा गया है और पुनः समाज में जन जागरण है और समाज से ये आदेश लेने के लिए कि यही प्रारूप जो आज 20 वर्ष पहले समाज में दिया गया और समाज को ये बताया गया कि इसी तरीके के प्रारूप का मंदिर का निर्माण होगा, जिसमें आप देख रहे हैं रामलला जी मेरे विराजमान हैं और यही प्रारूप किसी भी दिन किसी भी समय। खैर, वीएचपी ने अपने पंडाल में राम मंदिर का मॉडल तो रख दिया, लेकिन जब विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष से राम मंदिर के निर्माण को लेकर सवाल पूछे गए तो उन्होंने सरकार से अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। हमारी चले तो हम आज शाम से बनवाना चाहते हैं। कुंभ में ये 5 अक्टूबर को जो उच्चाधिकार समिति की बैठक हुई थी, उसमें संतों ने मांग की थी कि संसद में कानून लाए। देश भर में धर्म सभाएं भी हुई थी। सारी परिस्थिति का आकलन करके अब हमको ऐसा लग रहा है कि सरकार की मजबूरियां क्या हैं वो तो हम नहीं जानते, पर संभवतः इस सरकार के इस कार्यकाल में कानून आने की संभावना नहीं है। आने वाले चुनाव को लेकर जब विश्व हिंदू परिषद की भूमिका को लेकर सवाल किए गए तो सुनिए क्या बोले आलोक कुमार। विश्व हिंदू परिषद ने किसी चुनाव में कुछ नहीं किया है, मैं पूरा बता रहा हूँ, पूरा बता रहा हूँ, मैं बताने से बच नहीं रहा हूँ। विश्व हिंदू परिषद ने किसी चुनाव में कुछ नहीं कि अपने लोकतांत्रिक कर्तव्य का पालन करेंगे और हमको ये भी देखना होगा कि लोकतंत्र के लिए देश के लिए कौन सी पार्टी सबसे अनुकूल है। और जैसा मैं आपसे अगर कहूँ तो राम मंदिर के लिए जिन्होंने ओपन कमिटमेंट किया, कांग्रेस घोषणा पत्र में शामिल करे कि मंदिर बनाएंगे तो उसके बारे में भी विचार करेंगे। उसने जो प्रतिबंध लगाया है कि संघ के स्वयंसेवक कांग्रेस में नहीं जा सकते, उस प्रतिबंध को वापस ले, केवल जनेऊ पहनने से नहीं होगा। आपको बता दें कि राम मंदिर को लेकर विश्व हिंदू परिषद किसी एक व्यक्ति या संगठन नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक सिस्टम को जिम्मेदार ठहराती है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।